हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, हम ये स्वेटर्स बॉर्डर के साथ आए हैं। ये देखिए कैसा लग रहा है फ्रेंड्स। और आज हम स्वेटर बॉर्डर से कैसे बनाया है ये दिखाएंगे आपको। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और न्यू हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्वेटर का बॉर्डर बना रखा है। तो हमने ये बॉर्डर कैसे बना रहा है ये देखिए, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हम ये बॉर्डर पहले फंदे को स्लिप किया, बिना बिने हुए स्लिप करना है। फिर धागा अपनी ओर लेना है इस तरह। फिर ये जो सीधा फंदा दिख रहा है उसको हम सीधा सीधी बिनाई करेंगे। ये देखिए, एक सीधी, फिर इसको हम इस तरह, हम जो बिनाई करते हैं जो हम इस तरह से करते हैं, सिलाई को उधर से लेते हैं। बट हम यहाँ से नहीं लेंगे, तो हम यहाँ से लेंगे। देखिए इस तरह। तो हमारा ये बॉर्डर से बहुत प्यारा लगता है। फिर अपने मुंह की तरह फिर इस धागा पीछे, फिर इस तरह नीचे से, फंदे के नीचे से सिलाई को ले जाएंगे। इस तरह से हम इस तरह से नहीं लेंगे, इस तरह से अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ से बॉर्डर्स बनाने के लिए हमें, जैसे बेबी स्वेटर हो और जेंट्स स्वेटर में, हमें यहाँ से मतलब इस पट्टी को हम पीछे से ले जाएंगे। ये देखो इस तरह से दिखता है, कैसा दिख रहा है फ्रेंड्स कमेंट में बताइए। तो हमें इसे अलग दिखने के लिए हमें यहाँ से लेना पड़ता है, ये पीछे से। ये देखिए इस तरह, फिर धागा अपनी तरफ, देखिए ये शॉर्टेस्ट बॉर्डर। तो सेम वैसी है, एक फंदा इस तरह लेंगे। ये देखिए, धागा पीछे को, फिर यहाँ फंदे के नीचे से लेंगे इस तरह। ये फिर अपनी तरफ इस तरह ही। स्वेटर बॉर्डर में एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, ये तो हम बनाते ही हैं। बट ये तरीका कुछ अलग है। ये देखिए, हम पहले यहाँ से लेते थे, जैसे सीधी बिनाई लेते तो इस तरह से लेते हैं सिलाई को। बट हम यहाँ से इस तरह को लेंगे पीछे से, तभी हमारा इस तरह से बन पाएगा। ये देखिए, ये देखिए। थैंक यू।